हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरस्वती। मैं देखिए आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक टाइप का रेसिपी लेके आई हूँ। जो सब्जी के हम छिलके फेंक देते हैं, वही छिलके से हम आज कुछ बनाएंगे। देखिए किसके छिलके हैं ये? लौकी के। हम लौकी तो बहुत तरीके से खाते हैं, लेकिन लौकी के छिलके आप लोग कोई भी सोच नहीं सकते। हाँ है, ये हम खा सकते, लेकिन हम खाएंगे। देखिए दो छिलके मैंने रख दिया था, उसको मैं काट के दिखा रही हूँ कैसे काटना है। पतले पतले करके काटना है, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। कोई मसाला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। एक फ्राई पैन ले लिया मैंने, आप कढ़ाई भी ले सकते। उसमें थोड़ा सा तेल ले लेंगे हम, उसको गर्म होने देंगे। उसके बाद थोड़ा सा कलौंजी देंगे सिजलिंग के लिए। दे दिया मैंने कलौंजी, और थोड़ा सा एक रेड चिली और एक ग्रीन चिली, उसको मैं जस्ट हाथ से तोड़ के दे दिया। ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे, आपको ज़्यादा तीखा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा ज़्यादा मिर्ची दे सकते हैं। एक छोटा सा ऑनियन मैंने पतला पतला कट करके रखा था, उसको भी दे दिया। देखिए इसको थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद मैं जो छिलके पतले पतले टुकड़े करके कट के रखे, उसको दे देंगे। देखिए ऐसे कट के रखे, धो के अच्छे से धो के रखे थे मैंने। इसको काटने के बाद एक चीज़ आप लोग कीजिए, पानी में डायरेक्ट काट के रखिए, नहीं तो काला पड़ जाता है। और स्किन जो आप काट करेंगे ना, थोड़ा सा थिक करके काट करेंगे तो अच्छा लगेगा ज़्यादा खाने में। आप किसी को भी बना के देंगे ना, आपको किसी को मालूम नहीं पड़ेगा जो आप लौकी के छिलके दे रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक दे देंगे। पहले थोड़ा ऐसे फ्राई किया 2-3 2.5 मिनट, बाद में नमक चिली हल्दी दे के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक दे दिया, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे फ्राई करना पड़ेगा। जब आपको लगेगा थोड़ा जल रहा है तब थोड़ा आँच धीरे कर दीजिए, नहीं तो मीडियम टू लो में ऑलवेज आपका हीट रखिए। ऐसे करके फ्राई करते जाइए। थोड़ा सा मैं ढक दूँगी 1.5 से 2 मिनट के लिए। देखिए मैंने 2 मिनट के बाद फिर से खोल रही हूँ। देखिए थोड़ा सा रेड रेड हो गया ना, इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये आधा से ज़्यादा पक चुका है। थोड़ा सा नीचे देखिए लग रहा है, ये फ्राई पैन में मैं कर रही हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट आप कढ़ाई में करोगे तो नीचे ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा तेल मुझे लगा चाहिए इसलिए मैंने दे दिया, और थोड़ा सा तेल। फिर से मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी, जो नीचे थोड़ा लग रहा है वो ऐसे करछी से थोड़ा खुरद खुरद के आप निकाल लीजिए, अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो। मेरा फ्राई पैन है इसे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा थोड़ी देर बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल के आ जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। देखिए मैंने बोला ना, थोड़ा फ्राई करने के बाद धीरे धीरे थोड़ा फ्राई कीजिए। अभी इस टाइम में आप मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिए और कुछ भी नहीं। ऐसे करके करके जब आपको लगेगा थोड़ा सा जल रहा है तब आप नीचे से उसको सिम कर दीजिए फ्लेम। देखिए सभी कुछ धीरे धीरे हो रहा है। आप लोग कभी भी ऐसे पर जो छिलके होते हैं लौकी के फेंकिए मत, एक बार करके मेरे बात में करके खाइए। मैंने थोड़ा सा ढक दिया था एक बार के लिए। देखिए अभी देख के लग ही रहा है जब हाँ फ्राई हो चुका है। तो फ्राई होने के बाद इसको थोड़ा सा एक ट्विस्ट देंगे हम, जिसमें से क्या होगा, ये जो सब्जी मतलब ये छिलके फ्राई कर रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में लगेगा। ये स्किप मत कीजिए। थोड़ा सा खसखस यानी कि पॉपी सीड मैंने दे दिया। हाँ मुझे मालूम है पॉपी सीड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट इसलिए आधा स्पून इतना तो हम दे ही सकते हैं ना। देखिए देने के बाद क्या होगा, क्रंचीनेस आएगा। इसको थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए दे दिया, और इसमें क्या होता है थोड़ा सा और भी क्रंचीनेस आ जाता है। ये मैंने करके देखा इसलिए मैं आपको बोला, करके आप लोग भी देखिए। थोड़ी देर चलाने के बाद देखिए हो गया। अभी लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा मीडियम टू हाई करके कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा, जो खसखस है नहीं तो जल जाएगा, इसलिए आपको मालूम जब पड़ेगा हो गया फ्राई तब आप निकाल लीजिए। देखिए थोड़ा सा कुरकुरे टाइप का हो जाएगा तब आपको मालूम ही पड़ेगा हो गया। देखिए मैंने हो गया, मैंने इसको निकाल लिया फ्राई पैन से। निकालने के बाद सर्व कर दिया एक ट्रे में। कितना अच्छा लग रहा है देखने के बाद कोई नहीं बोलेगा आपने किसी को छिलका बना के, लौकी का छिलका बना के खिलाए। ऊपर से थोड़ा सा और पॉपी सीड मैंने टच किया, आपको चाहिए तो दीजिए,
देने की कोशिश तो ज़रूर कीजिए, मैं ही प्रेफर करूँगी। और एक ग्रीन चिली स्लिट करके मैंने दे दिया गार्निश के लिए। ये खाने के टाइम आपके मुंह में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। गरम गरम दाल राइस के साथ इसको किसी को भी दीजिए, आपके बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि छिलके में, जो वेजिटेबल के छिलके में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, हम सभी को पता है। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से धो के इसको बनाइए और वीडियो एंजॉय कीजिए। अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा मेरा ये आइडिया। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। सो बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।